Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is types of sentences. Today we will discuss three main types of sentences. One is a simple sentence, the other one is compound sentence, and the third one and the last one is a complex sentence. So what is simple sentence? So simple sentence mein ye hota hai कि इसमें सिर्फ एक क्लास होता है और उस क्लास के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है. तो इसी तरह सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इसमें मस्ट होगा जो सिंपल सेंटेंस है. एग्जाम्पल ये है, पर कंटेन एट लीस्ट वन क्लास, राइट, वन क्लास विद अ सिंगल सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. तो एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल में है शी रीड, वो पढ़ती है, तो हमें कंप्लीट आइडिया मिलता है और सिंपल सेंटेंस भी है, सब्जेक्ट है और वर्ब है साथ. इस तरह सेकंड एग्जाम्पल को देखे तो शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है. अगर आप देखें तो शी क्या है, सब्जेक्ट है, गोज क्या है, वर्ब है, एंड स्कूल ऑब्जेक्ट है. तो ये सिंपल सेंटेंस, सादा सेंटेंस है, हमें बस एक आइडिया मिलता है उसमें. इसी तरह थर्ड एग्जांपल, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू. तो शी क्या है, सब्जेक्ट है, कंप्लीट क्या है, वर्ब है, एंड लिटरेचर रिव्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है. इसी तरह अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस में ये होता है कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं जो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए जो है उन दोनों क्लासेस को जॉइन करते हैं, साथ कामा भी होता है और सेमीकॉलन भी होता है. इंडिपेंडेंट क्लास, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिपेंडेंट क्लास इसको कहते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस के जो क्लास होते हैं, लेकिन कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं जो हम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए जो है उसको जॉइन करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल है कि ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, एंड आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ. तो अगर इसको देखे, एक ये कामा है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास के बाद हम एक कामा लगाते हैं, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं, और फिर सेकंड डिपेंडेंट क्लास जो है वो हम लिखते हैं. तो क्या है कि ही प्लेज क्रिकेट एंड आई प्ले फुटबॉल. इसी तरह सेकंड एग्जांपल को अगर आप देखें कि ही ऑर्गेनाइज हिज सोर्सेज बाय थीम, देन ही अपडेटेड हर रेफरेंस लिस्ट. तो अगर इसको देखें तो यहाँ इसमें एक सेमीकॉलन है, फर्स्ट जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास के बाद, फिर देन है जो कि यहाँ एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम करता है, इसके बाद फिर कामा है, फिर ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट. अगर आप इसको देखें तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है जो कि अकेले जो है या इसके बगैर आप इसको जो है स्टैंड कर सकते हैं, इसे मीनिंग ले सकते हैं. और अगर इसको देखें, ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन हमने इन दोनों को ज्वाइन किया है इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए, राइट. अब कंप्लेक्स सेंटेंस क्या है, राइट. कंप्लेक्स सेंटेंस में हमारे साथ ये एक क्राइटेरिया होता है कि आपने इसमें से एटलीस्ट लिखा है. एटलीस्ट का मतलब ये है कि आप इससे ज़्यादा भी जो है लिख सकते हैं. तो एटलीस्ट इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, एटलीस्ट, और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास होगा, राइट. एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक डिपेंडेंट क्लास होगा. अब एग्जाम्पल को देखें कि इफ़ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, राइट. इसको देखें, इस क्लास को, ये डिपेंडेंट क्लास है, और ये डिपेंडेंट क्लास है क्यों, क्योंकि इफ़ आया है. इफ़ को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. ये इफ जो है, ये चूंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इस वजह से ये डिपेंडेंट क्लास होता है और ये इनडिपेंडेंट क्लास होता है. इफ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करोगे, तो आई विल हेल्प यू, मैं भी आपकी मदद करूंगा, राइट. तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है. इसका डिपेंड जो है मेन क्लास पे होता है, ये मेन क्लास है
और ये डिपेंडेंट क्लास है. इसी तरह ये एग्जांपल मैंने दोबारा क्यों लिखा है कि आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी. ये बात याद रखे कि अगर आप इंडिपेंडेंट क्लास, ये वाला क्लास यानी मेन क्लास अगर आप पहले लगाते हैं, पहले प्लेस करते हैं, तो देन देयर इज नो नीड टू पुट कामा आफ्टर दिस, राइट. ये रॉन्ग होगा, ये कामा लगाने की फिर जरूरत नहीं है. इफ यू हेल्प मी, आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, राइट. तो यहाँ फिर कामा लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप मेन क्लास को जो है वो पहले प्लेस करते हैं. इसी तरह सेकंड एग्जांपल को देखिए, व्हाइल द डॉग चेज द कैट इट बार्क लाउडली. ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है. व्हाइल जो कि आया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये मेन क्लास है, राइट. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म हुआ और अगले वीडियो में जो है हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. वस्सलाम.